लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में जानेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी एक इक्वेशन हो, ठीक है, जिसमें कि इक्वल टू साइन हो और उस इक्वेशन में अननोन हो, अननोन या वेरिएबल हो और एक ही वेरिएबल हो, लेट दैट वेरिएबल बी एक्स, तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप का अगर कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल है और एक्स की पावर वन है, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो हमने सेवेंथ क्लास में इस टाइप के इक्वेशंस के बारे में सीखा था कि इस इक्वेशंस में अगर कोएफिशिएंट्स अगर इंटीजर हो और इसके सॉल्यूशंस पे इंटीजर टाइप हो, जैसे 2x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है, और इसकी सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 2, तो इसमें कोएफिशिएंट्स और सॉल्यूशन दोनों इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, ठीक, इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें सेवन्थ क्लास में सीखे थे, लेकिन इस क्लास में हम नया क्या सीखेंगे कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया है और इसके अगर कोएफिशिएंट्स है वो रैशनल नंबर्स हो और इसके सॉल्यूशन भी रैशनल नंबर्स हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर एक इक्वेशन दिया हो, जैसे 4/3x प्लस 9/8 इक्वल टू जीरो, या इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन दिया हो जिसमें ये कोएफिशिएंट्स हो, वो रैशनल नंबर हो, इंटीजर्स ना हो और उसके सॉल्यूशन भी हमें रैशनल नंबर मिले, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम इस क्लास में सीखेंगे। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इक्वेशन क्या है और उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम समझने के लिए एग्जांपल देखेंगे कि सपोज हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं और उसके थ्रू इस डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है, कि एक सपोज इक्वेशन है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है, फिर दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस है, तो ये सब में क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, मतलब इन तीनों में इक्वल टू साइन है और ये एक स्टेटमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है विच कंटेन वन और मोर वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें एक्स वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, वन और मोर अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल, ये एक्स और वाई अननोन है, ठीक है। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम क्या, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हो गए इक्वेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो उसकी डेफिनेशन होती है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें जो वेरिएबल्स है उसकी पावर या तो जीरो हो या तो वन हो, मतलब पावर जीरो या वन से ज़्यादा नहीं हो सकती और जीरो से कम नहीं हो सकती। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ कि 2x प्लस 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसमें x की पावर सिर्फ 1 है और इसमें हम देख सकते हैं कि इसको मैं x रेस्ट टू 0 भी लिख सकता हूँ, तो 0 और 1 मतलब दो ही x की दो ही पावर है। लेकिन अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि x की पावर क्या है, x की पावर 2 भी है, 1 भी है और ये x रेस्ट टू 0, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप के जितने लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसके इक्वेशंस होते हैं तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक एग्जांपल है कि इक्वेशन का 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। फिर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें रैशनल कोएफिशिएंट्स हो, तो उसमें हम लेते हैं कि 9/4x इक्वल्स टू 27/2, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 0 है, तो x की पावर या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं हो सकती, तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसका हम सॉल्यूशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, कि अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हो, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इज ऑन इक्वेशन इन ऑन इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल्स टू RHS इज सेड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और अ रूट ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ इक्वेशन क्या होता है कि अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हो, लेट्स से कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, उस वेरिएबल की, ये एक्स की
एक ऐसी वेरिएबल वैल्यू होती है कि जो हम अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें एक्स की जगह, कि अगर हम एक्स की जगह उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब LHS जो होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड जो साइड होती है उसकी जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे कि ऐसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस जो ये जो इक्वेशन है इसकी उसका सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4 अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम पहले वेरीफाई करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2x-3, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि इक्वल टू साइन ये लेफ्ट हैंड साइड यही 2x-3 है। अब हम क्या करेंगे इसमें x इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 4 रख दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8-3 और दिस इज इक्वल्स टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारी क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 5। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो जब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा तो ये जो वैल्यू है x की उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे या इस इक्वेशन का रूट बोलेंगे। तो जो भी वैल्यू होती है उस वेरिएबल की कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और LHS इक्वल्स टू RHS को सेटिस्फाई करे तो उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखेंगे कि सॉल्विंग एन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कि सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग इट्स रूट। मतलब अगर कोई भी एक इक्वेशन दिया है जैसे कि एक 2x-4=0, तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के डिफरेंट सॉल्यूशंस को फाइंड करना उसका मतलब है सॉल्विंग एन इक्वेशन। मतलब अगर कोई भी एक इक्वेशन दिया है उसके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना, उसके रूट्स फाइंड करना, उसको हम बोलते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल होता है कि हम ये इक्वल टू साइन है उसके दोनों साइड किसी भी एक नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि दोनों साइड इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इधर दोनों साइड हम 4 को ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड अगर हम 4 को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 2x-4+4=0+4। तो ये क्या हो जाएगा 2x=4। तो दोनों साइड हम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम दोनों साइड कोई भी नंबर सब्ट्रैक भी कर सकते हैं, कि दोनों साइड कोई भी नंबर सब्ट्रैक कर सकते हैं। फिर हम दोनों साइड कोई भी एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नॉन जीरो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नॉन जीरो नंबर को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें दोनों साइड 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा x 2x/2 और ये हो जाएगा 4/2। ये एक 2 एक नॉन जीरो नंबर है, उससे मैंने इक्वल टू साइड के इक्वल टू के दोनों साइड डिवाइड कर दिया 2 से। तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 2। तो ये करने से मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि ये डिफरेंट रूल्स को फॉलो करके अगर हम एक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करें तो उसको हम बोलेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल दिया है जिसमें इक्वल टू साइन के एक साइड वेरिएबल है और दूसरी साइड नंबर है तो उस केस में हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशन हैविंग वेरिएबल टर्म्स ऑन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड, ठीक है। कि अगर एक इक्वेशन दिया हो जिसमें एक साइड वेरिएबल्स है और दूसरी साइड नंबर्स है तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये अगर हम ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे कि सपोज एक एग्जांपल हो x/5+11=1/15। इसमें क्या है, वेरिएबल इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड नंबर है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या सब्ट्रैक्टिंग 11 ऑन बोथ साइड्स, तो ये करने पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी x/5+11-11 और ये हो जाएगा =1/15-11, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इधर सिर्फ x/5 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1-11, हम एलसीएम लेंगे तो 1-11 × 15 = 165/15, ठीक है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि x/5 = −164/15। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स।
तो ये करने पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस 164, सॉरी x बाई फाइव इक्वल्स टू माइनस 164/15, और इधर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा 15 और 5, तो ये 15 होता है 5 3 सा, तो इधर 3 बचेगा और इधर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, x इक्वल्स टू माइनस 164/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इक्वल टू साइन के दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके या जो भी रूल्स है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के वो यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस तरह प्रोसीड करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन मेथड के बारे में जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन मेथड के बारे में जानेंगे कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हो जिसमें इक्वल टू साइन के एक साइड वेरिएबल वाला टर्म हो और दूसरे साइड न्यूमेरिकल टर्म हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया। लेकिन अगर दोनों साइड वेरिएबल वाले टर्म्स हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या अगर हम एक एग्जांपल देखें कि जैसे एक्स बाई टू माइनस 1/5 इक्वल्स टू एक्स बाई थ्री प्लस 1/4, इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों साइड वेरिएबल वाले टर्म है और दोनों साइड कांस्टेंट टर्म्स भी है, ठीक है। तो उस वाले केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स जितने भी है कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो ये हम कैसे लेते हैं कि अगर इस वाले एग्जांपल में देखें तो वेरिएबल वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए मुझे x बाई थ्री जो है इस x बाई थ्री को इक्वल टू साइन के इस साइड लेना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड के लिए माइनस 1/5 को इस साइड लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये इक्वल टू साइन है तो अगर मैं ये साइड चेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, x बाई थ्री को अगर मैं इस साइड ले जा रहा हूँ तो मैं इसकी साइन चेंज कर दूँगा। देखिए जैसे कि अगर मैं इसमें देखूँ कि x बाई टू है वो तो वहीं पे रहेगा और इधर 1/4 भी वहीं पे रहेगा, अब मैं इधर से x बाई थ्री को लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो ये करने पे क्या करूँगा, इसमें x बाई थ्री क्या है पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाने पे साइड चेंज करने पे उसको मैं नेगेटिव कर दूंगा। साइड मेरे को बस सिंपल क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव करना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करना है। तो x बाई थ्री को इधर पॉजिटिव है तो इस साइड ले जाने पे माइनस x बाई थ्री लिख दूंगा, और इसमें ये 1/5 है वो नेगेटिव है तो इस साइड ले जाने पे उसको मुझे क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। तो ये 1/4 है वो तो वहीं पे था, अब माइन ये 1/5 इधर नेगेटिव था, इस साइड आने पे वो क्या हो जाएगा, प्लस 1/5, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, बस वेरिएबल टर्म्स को इक्वल टू साइन के इस साइड ट्रांसपोज किया और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड ट्रांसपोज किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये वेरिएबल टर्म्स मेरे सारे लेफ्ट हैंड साइड आ गए और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड आ गए। अब मैं इसको बस सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा और सिंप्लीफाई कर दूंगा, और दोनों साइड बस एक ही टर्म बचा रहे उतना वहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, तो नीचे एलसीएम ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2x/6 और ये हो जाएगा 4+5/20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x बाई सिक्स और ये हो जाएगा 9/20। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी एक टर्म बचा है और राइट हैंड साइड भी एक ही टर्म बचा है, तो इधर तक मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब इतना सिंप्लीफाई करने के बाद मैं क्या करूंगा कि अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो भी उसका कोएफिशिएंट होता है उसको मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा और अब फिर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। इसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1/6, ठीक है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये जो x बाई सिक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/6 इंटू एक्स, तो ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1/6। अब मैं क्या करूँगा, 1/6 जो होगा वो दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा, तो 1/6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 9/20। अब मैं दोनों साइड क्या करूँगा, 1/6 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, ये 1/6 और 1/6 कैंसिल हो जाएगा और ये x इक्वल्स टू 9/20 और ये 1/6 है, तो मैं 1/6 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा हुआ। तो अब मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 54/20 और मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 27/10। तो इस तरह मैं ट्रांसपोजिशन मेथड से इसकी सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ कि जब भी ऐसा केस हो जिसमें वेरिएबल दोनों साइड हो इक्वल टू साइन के, तो उस केस में मैं इस मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशंस फाइंड करूंगा इस इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करने वाला एक एग्जांपल देखेंगे। हाय फ्रेंड्स,
इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करने वाला एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया है उसको सॉल्व करना है और टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो टी क्या है वो हमें फाइंड करना है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर में 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 3 है। तो अगर इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, एलसीएम 12 होगा। तो अगर मैं दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल सा लगने लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3 बाई 3 और इक्वल्स टू 12 इंटू 2 बाई 3 माइनस 12 इंटू टी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि 12 इक्वल्स टू 3 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 बचेगा। सिमिलरली ये कैंसिल होके इधर 4 बचेगा और इधर भी कैंसिल होके 4 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 6 फिर माइनस 80 माइनस 12 इक्वल्स टू 8 माइनस 12t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 18 इक्वल्स टू 8 माइनस 12t, ठीक है। अब हम जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड आ जाएंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके लिए मुझे माइनस 18 को इस साइड भेजना पड़ेगा और माइनस 12t को इस साइड भेजना पड़ेगा। तो ये टी जो इधर था वो तो वहीं पर रहेगा। अब माइनस 12t को इस साइड लेने पर वो प्लस 12t हो जाएगा, क्योंकि ये साइड चेंज करने पर साइन चेंज हो जाती है। फिर 8 इधर था तो 8 को उधर रखूँगा। अब माइनस 18 अगर इस साइड आएगा तो वो प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी साइन चेंज हो जाएगी। तो मैं देख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 13t इक्वल्स टू 8 प्लस 18 26। देयरफॉर अब मैं क्या करूँगा, कोएफिशिएंट जो होगा t का उसको दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा। तो 13t इक्वल्स टू 26, अब t का कोएफिशिएंट 13 है तो दोनों साइड 13 से डिवाइड कर देने पे मुझे क्या मिलेगा, ये 13 कैंसिल हो जाएगा और 26 इक्वल्स टू 13 इंटू 2। तो अब मुझे क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, t इक्वल्स टू 2। अब आप अगर t इक्वल्स टू 2 को इसमें सेटिस्फाई करें तो हम देख सकते हैं कि LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आएगी। तो ये आप खुद चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे और एक और एग्जाम्पल देखेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया है कि 2x by 5 minus 5x by 3 equals to 1 by 15। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2x by 5 है minus 5x by 3 equals to 1 by 15। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर 5 है, इसमें डिनोमिनेटर 3 है और इसमें 15 है, ठीक है। तो 5, 3 और 15 तीनों का LCM क्या होगा, LCM 15 होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये 15 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, 2x by 5 फिर माइनस 15 इंटू 5x by 3 और ये हो जाएगा 15 इंटू 1 by 15। और 15 इक्वल्स टू 5 3 जा, तो ये कैंसिल होके इधर 3 बचेगा, फिर ये कैंसिल होके इधर 5 बचेगा और ये 15 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x दैट इज 6x और ये माइनस 5 इंटू 5x दैट इज माइनस 25x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 6x माइनस 25x इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 6 माइनस 25 दैट इज माइनस 19, माइनस 19x इक्वल्स टू 1। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 19। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको दोनों साइड डिवाइड करना है। तो मैं दोनों साइड माइनस 19 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये माइनस 19 माइनस 19 कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी कि x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 19। देयरफॉर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे कोई भी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल
के बारे में जानेंगे कि अगर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हो ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू एम बाई एन, तो इस टाइप के जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी एंड दिस इक्वल्स टू एम बाई एन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एन जो है उसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और सी एक्स प्लस डी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू ए एक्स प्लस बी इट इज इक्वल्स टू एम इंटू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये अब हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए एक्स प्लस एन बी विच इज इक्वल्स टू एम सी एक्स प्लस एम डी। और अब हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो एन ए एक्स अब एम सी एक्स इधर आएगा तो वो माइनस एम सी एक्स हो जाएगा, और ये एम डी और ये एन बी इधर जाएगा तो वो माइनस एन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन एम डी माइनस एन बी अपॉन एन ए माइनस एम सी। ठीक है, क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, na माइनस mc, क्योंकि x को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम x के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे किया, तो अब हमें पता है कि ये सी एक्स प्लस डी जो है उसमें अगर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो वो एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम वो हमें एक वैल्यू देगा, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू का हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो किसका LCM लेंगे, n और सी एक्स प्लस डी। ठीक है, n और सी एक्स प्लस डी का एलसीएम कुछ भी हो सकता है, तो हमें इतना पता है कि दोनों का एन इंटू सी एक्स प्लस डी दोनों का मल्टीपल तो है ही। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें हम दोनों साइड क्या करते हैं, एन इंटू सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इधर भी एन इंटू सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये करने पे क्या हो जाएगा, इधर एन और एन कैंसिल हो जाएंगे और इधर सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं और आगे हम इस तरीके से उसको इवेल्युएट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखेंगे कि हम प्रैक्टिकली कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसके इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स है कि सबसे पहले अगर हमें एक प्रॉब्लम दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ना है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड नोट दैट व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब क्या उस प्रॉब्लम में डेटा दिया हुआ है, कौन सा डेटा दिया है और क्या हमें चाहिए। ठीक है, क्या रिक्वायर्ड है वो हमें नोट करना है। ठीक है, अब हमें जो भी अननोन क्वांटिटी है या जो भी क्वांटिटी का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है उसको हम एक वेरिएबल असाइन कर देंगे कि वो वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या जेड हो सकता है। कि सपोज हमें किसी की एज फाइंड करनी है तो हम उसकी एज को एक्स डिनोट कर देंगे, या किसी कोई एक नंबर फाइंड करना है तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, कोई वेरिएबल ए असाइन कर देंगे। ऐसे हम एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर देंगे किसका, कोई भी एक अननोन क्वांटिटी का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उस प्रॉब्लम में उसको ट्रांसलेट करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, कि अगर एज के बारे में कोई एक स्टेटमेंट दिया है कि उसकी एज सपोज एक सपोज आदमी है ए और दूसरा एक आदमी है बी, तो इसकी एज बी से 5 साल बड़ी है। ठीक है, तो अगर इसकी एज एक्स है और इसकी एज वाई है तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 5, क्योंकि ए बी से 5 साल बड़ा है। ठीक है, तो उस तरीके से जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उसको मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब जितने भी कंडीशंस दी हुई है उसको यूज़ करके मुझे फॉर्म इक्वेशंस बनाने हैं कि ये जितने भी कंडीशंस दिए, जैसे इसकी एज से 5 साल बड़ी है या 5 साल छोटी है, या उन दोनों की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, वो सब अगर दिया हुआ है तो उसके थ्रू मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर उस इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा और अननोन जितने भी है उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो हमें बस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो हमें एक ही अननोन मिलेगा और उस अननोन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और फिर वैल्यू फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू ये जो क्वेश्चन है उसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, या जो हमें आंसर मिल रहा है वो इस प्रॉब्लम में सेटिस्फाई हो रहा है या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें ये जो थियरी है वो अच्छे से समझ में आए।
इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स 1/3 क्वार्टर एंड 1/12, हमें फाइंड करना है वो नंबर। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं नंबर को x, ठीक है। नाउ इस नंबर का 1/3, तो इस नंबर का 1/3 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x बाय 3, क्वार्टर क्या हो जाएगा दैट इज x बाय 4, और 1/12 दैट इज x बाय 12, ठीक है। इसका एवरेज है, दैट मीन्स कि x किसके इक्वल है 56 से ज़्यादा, और प्लस एवरेज ऑफ इट्स 1/3 दैट इज x बाय 3, x बाय 4 एंड x बाय 12, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। नाउ सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालना है। तो देखो हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर का एवरेज निकालते हैं, लाइक ए एंड बी का एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है, दैट इज उनका सम एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इन नंबर्स का एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ x बाय 3, x बाय 4 एंड x बाय 12, इनका एवरेज यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3 टर्म्स हो गए x बाय 3, इनको पहले ऐड करेंगे, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 और इंटू 3 यहाँ पे, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे x, तो 7x, 8x बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2x बाय 9, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज। तो ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज x क्या है, 56 ज़्यादा है इसके एवरेज से, तो एवरेज हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2x बाय 9, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। नाउ तो 2x माइनस 9 वाली टर्म हम यहाँ इसे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 2x बाय 9 इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 9x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 7x बाय 9 इज इक्वल्स टू 56, तो यहाँ पे क्या होता है, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 8 ज़ा 56, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8, और ये 9 इसे जाएगा 8 इंटू 9, दिस इज इक्वल्स टू 72। तो हमें वो नंबर फाइंड करना था, तो वो नंबर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 72 के इक्वल। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन ने दिया है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो दोनों डिजिट है उस नंबर के, उसका सम क्या है, 8 है, एंड इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब वो नंबर उल्टा हो जाएगा, देन फाइंड द नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो डिजिट का एक नंबर है, तो सपोज इसका यूनिट डिजिट x है, तो उसका 10 डिजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों डिजिट्स का सम 8 है, ठीक है। तो अगर यूनिट डिजिट x है तो ये 8 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम इक्वल्स टू 8, तो ये x है तो ये 8 माइनस x हो जाएगा। अब कोई भी टू डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, कि सपोज एक ये एक टू डिजिट नंबर है 23, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 प्लस 3, मतलब जो 10th डिजिट है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 प्लस 3। तो ये जो 8 माइनस x और x, ये जो टू डिजिट नंबर है उसको मैं कैसे लिखूंगा, 8 माइनस x इंटू 10 प्लस x, तो ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है कि अगर इसमें मैं 18 ऐड करता हूँ, इस वाले जो ये जो नंबर है इसमें मैं 18 को ऐड करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें इस ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब मेरा 10th डिजिट x हो जाएगा और यूनिट डिजिट 8 माइनस x हो जाएगा। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू 10 प्लस 8 माइनस x, ठीक है, क्योंकि इस 23 को मैं 2 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ, इसलिए x और 8 माइनस x को x इंटू 10 प्लस 8 माइनस x लिख सकता हूँ। तो अब मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। कि इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा कि ये 8 माइनस x है इंटू 10 प्लस x, ये जो हमारा नंबर है उसमें मैं अगर 18 ऐड करूँ तो मुझे रिवर्स नंबर मिल जाएगा, जो कि होगा x इंटू 10
प्लस 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 10 एक्स और प्लस 8 माइनस एक्स। अब मैं जितने भी x वाले टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड ले लूँगा और कॉन्स्टेंट टर्म्स को राइट साइड ले लूँगा। तो ये माइनस 10 एक्स जो इधर था उसको वहीं पे रहने देंगे, x को भी वहीं पे रहने देंगे, फिर ये 10 एक्स इस साइड आ जाएगा तो वो माइनस 10 एक्स हो जाएगा, ये माइनस x उस साइड आ जाएगा तो वो प्लस x हो जाएगा, फिर इधर 8 था वो वैसा का वैसा रहेंगे रहेगा, फिर ये 18 इस साइड आएगा तो वो माइनस 18 हो जाएगा, और ये 80 उस साइड आएगा तो वो माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड क्या बचता है, माइनस 10x प्लस x माइनस 10x प्लस x, तो ये कितना हो गया माइनस 18x, और ये 8 माइनस 18 तो वो क्या हो जाएगा माइनस 10, माइनस 10 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू माइनस 90, ठीक है। तो अब मुझे इसमें मैं क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस 18 से डिवाइड कर दूंगा जो मेरा x का कोएफिशिएंट है, तो माइनस 18 माइनस 18 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 90 डिवाइड बाई 18 क्या होता है 5, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, और टेंस डिजिट क्या है 8 माइनस x दैट इज 8 माइनस 5 वो हो गया 30, वो हो जाएगा 3। तो ये नंबर क्या मुझे मिल जाएगा, हमारा जो नंबर जो मैं फाइंड करना था वो था 35, और उसमें अगर मैं 18 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 53। तो मैं देख सकता हूँ कि ये नंबर जो है 35 वो रिवर्स हो गया है और 53 बन गया है, इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है मेरा 35। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 34 जो नंबर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट वन और पार्ट टू, such that 4/7 of one part is equals to 2/5 of the other part, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 34 को दो पार्ट से डिवाइड किया P1 और P2 में, सपोज P1 हमारा x होगा तो P2 क्या होगा हमारा 34 माइनस x, क्योंकि 34 के दो अगर हम हिस्से करें तो हिस्से बनाएं तो एक x हो तो दूसरा 34 माइनस x होगा। अब हमें दिया क्या है कि 4/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट is equals to 2/5 of the second part, तो ये जो पहला पार्ट है इंटू 4/7 इक्वल्स टू दूसरा पार्ट इंटू 2/5, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जिससे हमें P1 और P2 की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x/7 is equals to ये 68 minus 2x/5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो नीचे 5 और 7 है उसका एलसीएम क्या होता है 35, तो 35 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 और इधर भी इंटू 35, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 35 और 7 कैंसिल होकर इधर 5 मिल जाएगा, और इधर 5 और 35 कैंसिल होकर 7 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 4x इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 20x, और इधर 68 इंटू 7 तो 68 इंटू 7 कितना होता है 476, और माइनस 2x इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14x। अब माइनस 14x अगर उस साइड जाए तो मुझे क्या मिलेगा 34x, तो 34x इक्वल्स टू 476। तो अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा कि जो x का कोएफिशिएंट है वो दोनों जगह डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 34x इक्वल्स टू 476 है तो मैं दोनों जगह 34 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इधर मुझे क्या मिलेगा x, और इधर मुझे क्या मिलेगा, ये अगर 34 इससे मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे इधर वैल्यू आएगी 14, ठीक है। तो जिससे मुझे पता चल गया कि फर्स्ट पार्ट जो मेरा है उसकी वैल्यू 14 है, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 14 है तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 34 माइनस 14 तो सेकंड पार्ट मेरा हो जाएगा 20। अब मैं देख सकता हूँ कि इसका अगर मैं 4/7 करूँ तो 14 इंटू 4/7 क्या हो जाएगा, 14 इंटू 4/7 होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 8, ये 14 और 7 कैंसिल होकर इधर 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8, और 20 का 2/5 क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8, तो मैं देख सकता हूँ कि इसका 14 का 4/7 पार्ट और 20 का 2/5 पार्ट दोनों इक्वल है, इसलिए 34 को मैंने इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 14 और 20। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक क्वेश्चन देखेंगे।
हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है कि कन्वर इज 3 years ओल्डर देन अनिमा. 6 years अगो कन्वर वॉज 4 times अनिमाज एज. देन फाइंड द एजेस ऑफ कन्वर एंड अनिमा. ठीक है, तो अब हमें क्या हम सपोज अनिमा की एज एज्यूम करते हैं कि अनिमा की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स. ठीक है, तो अनिमा की प्रेजेंट एज अगर एक्स हो तो हमें पता है कि कन्वर अनिमा से 3 साल बड़ा है, तो कन्वर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3. ठीक है, अब हमें रिलेशन किसका दिया है कि उन लोगों की 6 साल पहले की एज की. तो 6 years ago अनिमा की एज क्या हो जाएगी, अनिमा की एज 6 साल पहले x माइनस 6 होगी. ठीक है, और कन्वर की एज क्या हो जाएगी, कन्वर की एज हो जाएगी x प्लस 3 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3. ठीक है, तो 6 साल पहले कन्वर x माइनस 3 एज का था और अनिमा x माइनस 6 एज की थी. ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि 6 साल पहले कन्वर वॉज 4 times अनिमास एज, मतलब अनिमा की जो एज थी x माइनस 6 उससे 4 गुना बड़ा कन्वर था. ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 into x माइनस 6. तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया. अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा. ठीक है, तो हम इसको x को फाइंड करते हैं. तो 4x माइनस 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 इक्वल्स टू x माइनस 3. अब मैं x को इस साइड लाऊंगा और 24 को उस साइड ले जाऊंगा, तो मुझे 4x को ऐसा कैसा, x इधर अगर इस साइड आया तो वो माइनस x हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 जो था वही रहेगा, और माइनस 24 उस साइड जाएगा तो वो प्लस 24 हो जाएगा. इधर क्या हो जाएगा, 3x, और 3x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 24, दैट इज इक्वल्स टू 21. तो x मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 21 by 3, क्योंकि मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड करूँगा. ठीक है, 3x में तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स 21 by 3, और 21 by 3 क्या है, 7. तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 7. तो अनिमा की प्रेजेंट एज क्या है, 7 है, और कन्वर की प्रेजेंट एज क्या है, 10 है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अनिमा की प्रेजेंट एज 7 है और कन्वर अनिमा से 3 साल बड़ा है, और 6 साल पहले अनिमा की एज कितनी होगी, 6 साल पहले अनिमा की एज 1 होगी, और कन्वर की एज कितनी होगी, कन्वर की एज होगी 6 साल पहले 4. तो हम देख सकते हैं कि 6 years ago कन्वर अनिमा से 4 गुना बड़ा था. कन्वर वॉज 4 times अनिमास एज. तो अब उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7 और 10. तो 7 और 10 हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच प्योर अल्कोहल शुड बी एडेड टू 400 ml ऑफ अ 15% सॉल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%. ठीक है, तो अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि 400 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें 15% अल्कोहल है. ठीक है, तो अगर 100 ml का सॉल्यूशन हो उसमें 15% अल्कोहल हो, तो उसमें उसका मतलब अल्कोहल कितना होगा, उसमें अल्कोहल उसमें होगा 15 ml. ठीक है, 100 ml में से, क्योंकि 15% तभी होगा, तो 400 ml में कितना ml अल्कोहल होना चाहिए ताकि वो 15% हो. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 15/100 × 400. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 60 ml. इसका मतलब 400 ml में से 60 ml अल्कोहल है. अब मुझे कितना अल्कोहल इसमें ऐड करना है ताकि उसकी स्ट्रेंथ 32% हो जाए. अब अगर मैं उसमें सपोज xml अल्कोहल ऐड करूँगा, तो xml अल्कोहल ऐड करने पे मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 400 प्लस xml. ठीक है, और उसमें अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल उसमें होगा 60 प्लस xml. और मुझे दिया क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ 32% हो जाएगी. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 60 प्लस xml जो अल्कोहल है डिवाइड बाय 400 प्लस xml जो टोटल सॉल्यूशन है, दैट विल बी इक्वल टू 32%. 32% को मैं लिख सकता हूँ 32/100. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो अल्कोहल जितना ml है अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 32/100, क्योंकि 100 ml में 32 ml अल्कोहल होना चाहिए, तो 400 प्लस xml में 60 प्लस xml अल्कोहल होना चाहिए. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करूँगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे, हम 400 प्लस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू 60 प्लस x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 32 इंटू 400 प्लस x. तो अब मैं ब्रैकेट्स को खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6000 प्लस 100x
is equals to 32 into 4, so that will be equals to 128, दो zeros plus 32x. ठीक है, अब मैं x वाले terms को एक side ले आऊँगा, left side, और constant terms को right side ले आऊँगा. तो 100x जो left side था, और 32x को इस side लाने पे वो minus 32x हो जाएगा, और 12800 और 6000 को मैं इस side लाऊँगा तो वो minus 6000 हो जाएगा. ठीक है, तो अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 68x, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 6800. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x का जो कोएफिशिएंट है उससे मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा. तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 68, तो मैं 68 से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा. तो 68 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, 100, क्योंकि ये 6800 इज इक्वल टू 68 into 100, तो 68 कैंसिल होने पे 100 बचेगा. तो इससे मुझे मिलेगा कि x इक्वल्स टू 100. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 400 ml ऑफ 15% अल्कोहल सॉल्यूशन है, तो उसमें मैं अगर 100 ml एक्स्ट्रा अल्कोहल ऐड करूँ तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 32%, क्योंकि 400 ml में कितना है अल्कोहल, 60 ml. अब मैं अगर 100 ml ऐड करूँगा तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मेरे पास 500 ml, और उसमें अल्कोहल कितना होगा, 160 ml. तो अल्कोहल परसेंट कितना होगा, 160/500 × 100. ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 कैंसिल हो जाएंगे, और 160/5 दैट इज इक्वल टू 32%. तो हमने ये ऐसे वेरीफाई कर लिया कि अगर मैं ये जो सॉल्यूशन है उसमें मुझे 100 ml अल्कोहल ऐड करूँ तो मुझे 32% की स्ट्रेंथ की अल्कोहल मिल जाएगी. ठीक है, देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 100. हे गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में. ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वेरिएशंस. ठीक है, वेरिएशंस क्या होते हैं हमारे, राइट. देखो, हमारे पास सपोज दो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि सपोज वेट, कॉस्ट या कुछ भी, मतलब इस तरीके से हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं. ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंड कर रही हैं कि एक क्वांटिटी में कुछ चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन, राइट. मतलब व्हेन चेंज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ चेंज in the other, the two quantities are said to be in variation. ठीक है, the two quantities are said to be in variation. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर example लेते हैं एक, right? Example है suppose speed and distance. ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे. सपोज हम चल रहे हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड से हम चलेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, जितनी कम स्पीड से चलेंगे उतना कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, है ना. तो मतलब कि स्पीड को चेंज करने से हमारा डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है ना. तो मतलब कि स्पीड और डिस्टेंस जो है वो दोनों वेरिएशन में है, राइट. ये होता है वेरिएशन का मतलब. ठीक है, तो अब अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि वेरिएशंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही, थैंक यू. हे गाइस, तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस चैप्टर से ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. ठीक है, वेरिएशंस क्या होते हैं वो हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. देखो, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशंस हमारी दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन, राइट, एंड द सेकंड वन इज इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स, ये हमारी दो टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं. ठीक है, तो वेरिएशंस हमें पता है क्या होती हैं, जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे, तब हम बोलते हैं कि वो दोनों वेरिएशन में हैं. अब डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
वो सब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है? टिल देन थैंक यू. Hey guys, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में, ठीक है? देखो, पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं वेरिएशंस क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? सो डायरेक्ट वेरिएशन है फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशंस. तो डायरेक्ट वेरिएशंस में क्या होता है, इफ टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच अ वे that an increase in one quantity leads to a corresponding increase in the other and vice versa, this type of variation is called direct variation. ठीक है, मतलब जब दो quantities एक दूसरे से इस तरीके से connected होती हैं कि एक क्वांटिटी में कुछ इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो जाए कुछ, या फिर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज करने से दूसरी की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो उस टाइप की वेरिएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है डायरेक्ट वेरिएशन का. क्योंकि देखो, जब मैं अपनी अगर चलने की स्पीड बढ़ा दूंगी तो मेरा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना? जितना मैं तेज चलूंगी उतना मेरा डिस्टेंस कवर्ड होगा, राइट? तो मतलब स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड स्पीड कम करने से डिस्टेंस कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंडेंट है कि एक के इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज कर रहा है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशंस के बारे में और कैसे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन एक दूसरे से अलग होते हैं. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू. हे गाइस, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में, राइट? तो देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन के पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ. इफ टू क्वांटिटीज आर linked in such a way that an increase in one causes a corresponding decrease in the other, then such a variation is called inverse variation. ठीक है, यह है हमारी inverse variation की definition. देखो, variation हमें पता है, variation का मतलब होता है जब दो quantities एक दूसरे पर depend करती हैं. ठीक है, उनकी values एक दूसरे पर depend करती हैं. inverse variation में क्या होता है कि एक quantity की value increase करने से दूसरी quantity की value decrease हो जाए. ठीक है, and vice versa. ठीक है, decrease and vice versa, मतलब कि एक value quantity की value decrease करने से दूसरी की increase हो जाए. ठीक है, मतलब एक अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, उल्टा होगा दोनों में. ऐसी वेरिएशन को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक अगर बढ़ती है तो दूसरी कम होती है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन. ठीक है, सपोज किसी काम
को करने के लिए हमारे पास जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतनी ही जल्दी वो काम ख़त्म होगा, है ना। जैसे कोई काम है, अगर एक इंसान उस काम को कर रहा है तो 10 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर दो लोग उस काम को कर रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं टोटल, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होगा, टाइम टेकन डिक्रीज होगा, या फिर अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हम कम कर देंगे, जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं और इनवर्स और डायरेक्ट को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू। हे गाइस, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन के मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में, ठीक है। देखो, हम डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ चुके हैं कि जब दो क्वांटिटीज इस तरीके से डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे कि एक के इंक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। देखो, पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज सच दैट द रेशियो A upon B is always constant and positive, then A and B are in direct variation, ठीक है। मतलब हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं A and B इस तरीके से कि ए और बी का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट और पॉजिटिव है, तो ए और बी जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे, ठीक है। रेशियो ए एंड बी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए बाय बी इज इक्वल्स टू सपोज के विच इज अ कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। ये होता है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लेते हैं कि ए वन एंड बी वन, ए और बी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है किसी टाइम पर, तो ए वन बाय बी वन इक्वल्स टू के होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी टाइम पर ए टू और बी टू इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, तो ए टू बाय बी टू जो है वो भी के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कॉन्स्टेंट फिक्स्ड रहेगा और पॉजिटिव होगा। इस केस में हम बोलते हैं कि ए और बी जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में, देयरफॉर ए बाय बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज सपोज के, दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये होती है हमारी डायरेक्ट वेरिएशन की मैथमेटिकल फॉर्म, राइट। दैट्स ऑल। अब अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने में, राइट। टिल देन थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर्स इन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रैवल ऑन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, राइट, पेट्रोल एंड डिस्टेंस। पेट्रोल है लीटर्स में, डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, ठीक है। ये दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास। देखो, जब हमारा 48 लीटर पेट्रोल है तो डिस्टेंस है 432 किलोमीटर्स, तो अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि 20 लीटर्स पेट्रोल पे डिस्टेंस कितना होगा। सपोज हम x मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जितना ज़्यादा पेट्रोल उतना ज़्यादा डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा पेट्रोल, है ना। जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे कार से, उतना ही ज़्यादा हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्ट वेरिएशन में है, है ना, राइट। डायरेक्ट वेरिएशन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। ये दोनों क्वांटिटीज हमारी डायरेक्ट वेरिएशन में आ गई। तो देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में हमारी एक कंडीशन होती है दैट दोनों क्वांटिटीज का रेशियो कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटीज हैं पेट्रोल एंड डिस्टेंस, इनका जो ये रेशियो है ये कांस्टेंट आना चाहिए। सपोज के इज पॉजिटिव, है ना,
के पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन की कंडीशन होती है। तो देखो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पहले हम ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं। तो 48 अपॉन 432 इज इक्वल टू के, सिमिलरली ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं तो 20 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू के, ठीक है? इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के इक्वल है, मतलब कि 48 अपॉन 432 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स, है ना? क्योंकि दोनों ही के इक्वल थे। सो यहाँ से देखो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 20 इंटू 432 अपॉन 48, जहाँ से x की वैल्यू आ गई 180, राइट? यहाँ पर x आ गया हमारा 180 एंड x बेसिकली था क्या, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स व्हेन पेट्रोल इज 20 लीटर्स, मतलब कि 20 लीटर्स पेट्रोल पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी वो कार, 180 किलोमीटर्स। दिस इज आवर आंसर, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एक एप्लीकेशन था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है? इसी तरीके से हम कुछ एप्लीकेशंस और देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के इन द नेक्स्ट वीडियोस, राइट? थैंक यू। हे गाइस, सो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन, रीमा टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 6 मिनट्स, राइट? तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास, वर्ड्स एंड टाइम, जो कि हम मिनट्स में लेंगे, ठीक है? ये दो चीजें हैं हमारे पास। जब 540 वर्ड्स उसने टाइप करे तो टाइम कितना लगा, 1 आवर, मतलब कि 60 मिनट्स, राइट? तो आप पूछ रहे हैं कि 6 मिनट्स में वो कितने वर्ड्स टाइप करेगी, सपोज हम मान लेते हैं एक्स वर्ड्स, राइट? तो अब इन दोनों क्वांटिटीज को ध्यान से देखो, जितने ज्यादा वर्ड्स उतना ज्यादा टाइम, है ना? जितने ज्यादा उसको वर्ड्स टाइप करने उतना ज्यादा उसे टाइम लगेगा, मतलब ये जो दो क्वांटिटीज हैं ये कैसी हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में, ठीक है? ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है, क्योंकि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज हो रही है, एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, राइट? तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, जिसके अकॉर्डिंग दोनों क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कि यहाँ पर हमारी क्वांटिटीज है वर्ड्स एंड टाइम, तो वर्ड्स एंड टाइम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो भी पॉजिटिव, सपोज के, ठीक है? के पॉजिटिव कांस्टेंट है हमारा कोई। तो देखो ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं, तो 540 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू के होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं, तो एक्स अपॉन 6 शुड बी इक्वल टू के, है ना? तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो 540 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 6 आ जाएगा, दोनों के इक्वल हैं, राइट? तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 9 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 6, सो एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 6 विच इज 54, राइट? x की वैल्यू मेरे पास आ गई 54, एंड x हमारा बेसिकली क्या था, देखो x था हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट? मतलब 6 मिनट्स में वो कितने वर्ड्स टाइप कर सकती है, 54 वर्ड्स, ये है हमारा आंसर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो था ये बेसिकली डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जांपल था, है ना? सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, उसका एक एप्लीकेशन था। अब अगली वीडियोस में हम इसी तरीके से इनवर्स वेरिएशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? टिल देन थैंक यू। हे गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में, ठीक है? देखो हम इनवर्स प्रोपोर्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करनी चाहिए, राइट? वो था इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म। सबसे पहले मैं देखो डेफिनेशन लिख देती हूँ, इफ एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज सच दैट The product xy always remain
कॉन्स्टेंट एंड पॉजिटिव देन एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रपोर्शन. ठीक है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का मैथमेटिकल फॉर्म. मतलब अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं x एंड y, तो उनका जो प्रोडक्ट है xy वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. और कैसा कांस्टेंट होना चाहिए? पॉजिटिव. ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं कि दोनों क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं. जैसे मतलब x इंटू y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड वो कांस्टेंट सपोज k है, दैट कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आई मेरे पास, इक्वेशन आ गई एक. ठीक है, ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. इसका मतलब ये है, जैसे सपोज हमारे पास वैल्यूज है x1 एंड y1, ठीक है, जो कि x और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है किसी टाइम पर, तो x1 y1 जो है वो k के इक्वल होना चाहिए. इसी तरीके से अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं x2 एंड y2, जो कि x एंड y की उस टाइम पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है, तो x2 y2 भी उसी कांस्टेंट k के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, मतलब x एंड y की कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेंगे वो हमेशा k के इक्वल आएगा. ठीक है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन. अब अगली वीडियोज़ में हम इनवर्स प्रोपोर्शन के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे. टिल देन थैंक यू. ही गाइज, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बेसिकली इनवर्स प्रोपोर्शन का ही एक एप्लीकेशन है. तो देखो, इफ 52 मेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, इन हाउ मेनी डेज 28 मेन विल डू इट. ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ मेन एंड एक नंबर ऑफ डेज, राइट. ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर. तो देखो 52 मेन कितने डेज में काम कर रहे हैं? 35 डेज में. तो हमसे पूछा है कि 28 मेन वो काम कितने दिन में करेंगे. ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं x डेज में. तो ध्यान से देखो, जितने ज़्यादा मेन होंगे उतने कम डेज लगेंगे, एंड जितने कम मेन होंगे उतने ज़्यादा डेज लगेंगे, है ना. तो मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो मतलब ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, है ना. इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है ये. तो इनवर्स प्रोपोर्शन में देखो, हमारे मैथमेटिकल फॉर्म हमने पढ़ी है पिछले वीडियोस में, क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, पॉजिटिव कांस्टेंट, राइट. तो देखो यहाँ पर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज. तो ये दोनों क्वांटिटीज़ हमेशा, इनका प्रोडक्ट कैसा रहेगा? कांस्टेंट. सपोज हम k मान लेते हैं, k इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट. ठीक है, तो देखो पहले हम ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं. तो 52 मेन इंटू 35 डेज, ये k के इक्वल होना चाहिए. इसी तरीके से ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं, तो 28 इंटू x शुड बी इक्वल टू k, है ना. तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी, तो 52 इंटू 35 इज इक्वल टू 28 इंटू x, है ना, दोनों ही k के इक्वल हैं. तो यहाँ से देखो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 52 इंटू 35 अपॉन 28. तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 65 आ गया हमारे पास. ठीक है, x हमारा आ गया 65, जो कि बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ डेज. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 28 मेन अगर हैं तो वो काम कंप्लीट होने में 65 डेज लगेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. एंड ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्या था? हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एप्लीकेशन. ठीक है, इसी तरीके से अगली वीडियोस में भी हम ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के. टिल देन थैंक यू. सो द क्वेश्चन इज, 1000 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैड एनफ फूड फॉर 20 डेज, बट सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड टू अनदर फोर्ट एंड द फूड लास्टेड फॉर 25 डेज, हाउ मेनी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड. तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं. ठीक है, एक तो है नंबर ऑफ सोल्जर्स और एक है डेज फॉर विच द फूड लास्ट. ठीक है,
तो देखो, जब 1000 सोल्जर हैं तो 20 दिन तक खाना चल रहा है, ठीक है? तो अब कितने सोल्जर वहाँ पर बचे कि 25 डेज से खाना चले, ठीक है? तो देखो, जब कुछ सोल्जर ट्रांसफर कर दिए गए वहाँ से, तो मतलब अब 1000 से कुछ कम सोल्जर्स बचे हैं, है ना? तो जब सोल्जर्स कम हो गए तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, है ना? तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब एक क्वांटिटी कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, मीन्स ये इनवर्स वेरिएशन का केस है, ठीक है? और अब देखो, इनवर्स वेरिएशन में हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कि सोल्जर्स इनटू डेज, ये दो क्वांटिटीज जो हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी सपोज के, ठीक है? तो देखो, यहाँ से अब मैं बोल सकती हूँ, जब मैं इन वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लूँ तो 1000 इंटू 20 इज इक्वल्स टू के, इसी तरीके से इन वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लूँ तो x इंटू 25 इज इक्वल्स टू के, ठीक है? तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 20 इज इक्वल्स टू x इंटू 25, है ना? दोनों के इक्वल हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20,000 अपॉन 25, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 800, राइट? x की वैल्यू आ गई 800, ठीक है? देखो, मतलब 800 सोल्जर्स अब बचे हैं वहां पर फोर्ट में, ठीक है? लेकिन हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर कितने हुए थे? देखो, टोटल सोल्जर्स थे 1000, जिसमें से 800 बचे हैं, तो ट्रांसफर कितने हुए, 1000 माइनस 800 विच इज 200, ठीक है? सो 200 सोल्जर्स वर एक्चुअली ट्रांसफर्ड, ठीक है? दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है? देखो, अभी तक हम पढ़ चुके हैं वेरिएशंस के बारे में, वेरिएशंस किस टाइप्स की होती हैं, ठीक है? तो अब उसी का एक फर्दर एप्लीकेशन हम देखेंगे इन द केस ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है? हम छोटी क्लासेस में यूनिटरी मेथड भी पढ़ चुके हैं, राइट? यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हमें सपोज कुछ क्वांटिटी से रिलेटेड कॉस्ट या कुछ दे रखा है एंड हमें एक क्वांटिटी के लिए निकालना है, ठीक है? सपोज अगर मुझे 10 पेन्स की कॉस्ट गिवन है तो मैं एक पेन की कॉस्ट निकाल कर फिर फर्दर उसको यूज करूंगी, ठीक है? तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि सपोज 10 मैन डू सर्टेन वर्क इन 10 डेज, सो हाउ मच वर्क डज ईच मैन डू, राइट? इस टाइप से कुछ भी हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो टाइम एंड वर्क, ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इधर वी कैन यूज यूनिटरी मेथड, ठीक है, जैसा कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं क्या, वेरिएशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशंस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, राइट? या फिर एक थर्ड मेथड है, मिक्स्ड मेथड, ठीक है, इन दोनों का मिक्स्ड मेथड, ठीक है, हम दोनों को एक साथ यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के, ठीक है? तो फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड कुछ रूल्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? टिल देन, थैंक यू। ओके गाइस, तो पिछली वीडियोस में हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो अब उसी से रिलेटेड एक हमारा रूल है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन एक्स कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, देन वर्क डन बाय पर्सन एक्स इन वन डेज वन बाय एनथ पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है? मतलब अगर कोई भी पर्सन है उसने पूरा काम खत्म करा है एन डेज में, ठीक है, तो मतलब एक दिन में उसने काम का कितना पार्ट करा, वन बाय एनथ, ठीक है? इसको देखो, हम ऐसे समझ सकते हैं, होल वर्क जिसको मैं वन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो
एंड डेज में करा, ठीक है, पूरे काम को अगर मैं वन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, पूरा मतलब एक काम हो गया ना, सो वन वर्क, ठीक है. ऐसे ही अगर एन बाय टू डेज में वो कितना काम कर लेगा, फिर आधा काम एन बाय टू डेज में हो जाएगा, है ना, वन बाय टू, ठीक है. ऐसे ही एन बाय थ्री डेज में कितना काम हो जाएगा, वन बाय थर्ड, ठीक है, है ना, एन बाय थ्री डेज में वन बाय थर्ड वर्क हो गया. इसी तरीके से एन बाय टेन डेज में कितना वर्क हो जाएगा, टोटल डेज सपोज अगर 20 थे उसमें से 10 डेज है, तो मतलब कि 1/10th. इसी तरह से देखो, अगर मैं बोलूं n by n डेज, तो n by n डेज में कितना काम होगा, 1/nth पार्ट, और ये बेसिकली क्या है, वन डे, है ना. सो अगर n डेज में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक डे में 1/nth पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन, ठीक है. ये हमारा पहला रूल है जिसका हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे अगली वीडियो में. टिल देन थैंक यू. हे गाइस, तो पिछली वीडियोस में हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, एक उनका रूल भी हम पढ़ चुके हैं. अब यह है एक और रूल कि इफ अ पर्सन एक्स कंप्लीट्स 1/nth पार्ट ऑफ द वर्क इन वन डे, देन पर्सन एक्स विल टेक n डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है. मतलब कोई पर्सन है, अगर वो एक दिन में किसी काम का 1/nth पार्ट कर रहा है, तो वो पूरा काम कंप्लीट कब करेगा, n डेज में, ठीक है. इसको देखो इस तरीके से समझते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/nth, ठीक है. तो दो दिन में कितना करेगा, एक दिन का डबल, मतलब कि 2/nth, है ना. इसी तरीके से तीन दिन में कितना काम करेगा, वो 3/nth पार्ट, है ना. सिमिलरली अगर हम ऐसे ही चलते जाएं, तो 10 दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन का 10 टाइम्स, एक दिन में अगर 1/nth है, तो 10 दिन में 10/nth, है ना. इसी तरह से सपोज मैं लेती हूँ n डेज, तो n डेज में कितना काम करेगा, वो n/nth, विच इज इक्वल्स टू 1, है ना. वन मतलब कंप्लीट वर्क, ठीक है. वन का मतलब क्या है यहाँ पर, कंप्लीट वर्क, काम खत्म हो गया, ठीक है. मतलब अगर वो एक दिन में किसी काम का 1/nth पार्ट करता है, तो पूरा काम कंप्लीट करने में उसको कितने दिन लगेंगे, n डेज, ठीक है. समझ आ गए रूल. तो अगली वीडियोस में हम इसी रूल के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. Till then, thank you. Okay, तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. टुगेदर छोटू एंड नीतू प्लो अ फील्ड इन 4 डेज. नीतू अलोन टेक्स 6 डेज टू प्लो द सेम फील्ड. इन हाउ मेनी डेज कैन छोटू अलोन प्लो द फील्ड, ठीक है. तो देखो, टाइम टेकन बाय छोटू एंड नीतू टुगेदर, ठीक है. जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो उनको टोटल कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज, राइट. तो वर्क डन बाय देम टुगेदर इन वन डे, ठीक है. देखो, हमने रूल्स पढ़े थे कुछ टाइम एंड वर्क के, कि अगर एक इंसान n डेज में कोई काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक डे में वो कितना काम करेगा, 1/n, है ना. तो यहाँ पर वो दोनों 4 दिन में अगर काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4, ठीक है. 1/4 जो है उनका काम है एक दिन का, किसका, छोटू और नीतू का एक साथ, ठीक है. फिर आगे देखते हैं, नीतू अलोन टेक 6 डेज, राइट. तो टाइम टेकन बाय नीतू 6 डेज, ठीक है. सो वर्क डन बाय नीतू इन वन डे. देखो यहाँ पे फिर से, अगर
पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट कर रही है, वो तो 1 दिन में कितना काम करेगी, 1/6, राइट। ये है नीतू का काम। अब हमें क्या निकालना है, छोटू का काम, ठीक है। पहले हम छोटू का निकालेंगे काम, तो वो देखो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय छोटू इन 1 डे, वो कितना हो जाएगा, उन दोनों ने जो एक साथ काम करा उसमें से माइनस कर दिया नीतू का काम, राइट। एक साथ दोनों ने करा था 1/4 एक दिन में, माइनस नीतू का काम 1/6, तो हमारे पास छोटू का काम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फिर आ गया 3 - 2/12 विच इज़ 1/12, है ना। तो मतलब छोटू का एक दिन का काम कितना है, 1/12, राइट। हमें क्या निकालना है, छोटू कितना टाइम लेगा काम कंप्लीट करने में, है ना। तो देखो हमने एक और रूल पढ़ा था टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में, कि अगर किसी इंसान को एक दिन में वो कितना काम करता है, 1/n, तो वो काम कंप्लीट कितने दिन में करेगा, n डेज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो छोटू को एक दिन में कितना काम कर रहा है छोटू, 1/12, तो वो काम कंप्लीट कब करेगा, 12 डेज में, राइट। सो टाइम टेकन बाय छोटू टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू 12 डेज, राइट। ये है हमारा आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, सो इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days and C and A in 20 days, right? So in how many days will they finish it together and separately? ठीक है, पहले हमें निकालना है कि A, B, C तीनों साथ में कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, and then अगर वो अकेले करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो A and B's 1 day work, ठीक है। देखो टोटल वो काम खत्म कर रहे हैं 12 डेज में, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन एक्स सपोज अगर काम फिनिश करने में n डेज लगा रहा है, तो एक दिन में उसने 1/n वर्क करा, दिस इज अ रूल, राइट। तो यहाँ से अगर उन दोनों को 12 डेज लग रहे हैं काम खत्म करने में, तो दोनों ने एक दिन में कितना काम करा, 1/12, ठीक है। इसी तरीके से B and C's 1 day work is equals to B और C ने 15 दिन में ख़त्म करा था, मतलब एक दिन का काम है उनका, 1/15। सिमिलरली A and C's 1 day work, ठीक है। अब A और C ने काम ख़त्म करा 20 डेज में, मतलब कि उन्होंने एक दिन में कितना काम करा, 1/20, ठीक है। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ, एडिंग सपोज ये है 1, 2 and 3, तो एडिंग 1, 2 and 3 वी गेट, देखो ए दो बार है, बी दो बार है, सी का काम दो बार इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो 2 times A, B, C's 1 day work, ठीक है। इन तीनों का जो एक दिन का काम है उसका 2 times कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, विच इज इक्वल्स टू 5 + 4 + 3/60, राइट। सो दिस इज 12/60 मीन्स 1/5, ठीक है। तो ये था उन सबके एक दिन के काम का डबल, मतलब कि उन सबका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए बी सीज 1 day work is equals to 1/5 × 1/2 which is 1/10, ठीक है। ये आ गया उन तीनों का एक दिन का काम। तो अब वो तीनों काम फिनिश कब करेंगे, सी सो ए बी एंड सी फिनिश द वर्क इन, तो अब देखो ये एक हमारा रूल होता है कि अगर कोई पर्सन है एक्स
वो एक दिन में अगर 1/n काम कर रहा है तो काम खत्म करने में उसको डेज लगेंगे n, ठीक है। तो यहाँ पर उनको टाइम, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 1/10, तो मतलब कि टाइम कितना लगेगा 10 days, राइट। ये हो गया हमारा आंसर कि वो तीनों काम कब खत्म करेंगे। अब हमें क्या निकालना है कि वो तीनों अगर अकेले काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो, ए का एक दिन का काम इज 1 day work, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का काम एक दिन का माइनस बी और सी का एक दिन का काम, मतलब कि 1/10 जो कि तीनों का एक दिन का काम था, माइनस बी और सी का एक दिन का काम विच इज 1/15, है ना, माइनस 1/15। सो दिस इज 3 - 2/30, सो 1/30। ये है ए का एक दिन का काम। मतलब यहाँ से मैं बोल सकती हूँ दैट ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 30 days में, ठीक है। इसी तरीके से बी का एक दिन का काम निकालते हैं, राइट। सो बीज 1 day work इज इक्वल्स टू तीनों का एक दिन का काम माइनस ए और सी का एक दिन का काम। ए और सी का एक दिन का काम देखो कितना है, 1/20, सो दिस इज 1/20, सो दिस इज 2 - 1/20 इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। एक दिन में वो 1/20 काम कर रही है, सो टोटल काम फिनिश कब तक करेगा, बी 20 days तक, ठीक है। अब हम निकालते हैं सी का एक दिन का काम, सी इज 1 day work, तो वो कैसे निकलेगा, तीनों का एक दिन का काम माइनस ए और बी का एक दिन का काम। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 1/12, सो 1/12, सो दिस इज 6 - 5/60 इक्वल्स टू 1/60, ठीक है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/60, मतलब कि सी काम कब तक खत्म करेगा, 60 days तक, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए का टाइम टेकन, बी का टाइम टेकन एंड सी का टाइम टेकन, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, बी कैन फिनिश इट इन 20 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन ए गोज अवे, राइट। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो, ए जो है वो टोटल काम कर रहा है 25 days में, राइट। तो ए इज 1 day's work, ठीक है। ए अगर 25 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में उसने कितना काम करा, 1/25, है ना। ये रूल होता है ना कि अगर कोई पर्सन है उसने n डेज में काम कंप्लीट करा तो एक दिन का काम 1/n होता है, ठीक है। इसी तरीके से बीज 1 day's work हम निकाल सकते हैं, बी ने टोटल काम कंप्लीट करा 20 days में, मतलब एक दिन में कितना काम करा, 1/20, ठीक है। तो ए एंड बीज 1 day's work, ठीक है। तो जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1/25 + 1/20, सो दिस इज 4 + 5/100 विच इज 9/100, ठीक है। ये है उनका एक दिन का काम। अब देखो, दोनों ने कितने दिन साथ में काम करा, 5 days, है ना। सो ए एंड बीज 5 days work, ठीक है। एक दिन का काम अगर है 9/100, तो 5 days का काम क्या हो जाएगा, 5 × 9/100 विच इज 9/20, राइट, 9/20। अब हमें क्या निकालना है कि बी ने बाकी का बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म करा, ठीक है। तो अब देखो, बी जो है वो टोटल काम फिनिश करने में टाइम ले रहा है 20 days, है ना, जिसमें से 9/20 वर्क ऑलरेडी हो चुका है, तो वर्क रिमेनिंग कितना होगा, अब वर्क रिमेनिंग इज
1 - 9/20 है ना टोटल वर्क को अगर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 - 9/20 इज 11/20 ठीक है. इतना काम अभी बचा है जो बी को करना है. अब बी जो है वो काम कंप्लीट करती है 20 डेज में है ना. बी फिनिशेस द होल वर्क इन 20 डेज राइट. मतलब कि बी फिनिशेस 11/20 ऑफ द वर्क इन 20 × 11/20 डेज ठीक है. जब पूरा काम वो खत्म कर रहा है 20 डेज में तो 11/20 ऑफ द वर्क कितने दिन में करेगा 20 × 11/20 विच इज 11 डेज ठीक है. तो मतलब कि रिमेनिंग काम कंप्लीट करने में बी को कितना टाइम लगेगा 11 डेज ठीक है. ये है हमारा आंसर. दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन. थैंक यू. ओके तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स ठीक है. सिस्टर्न्स होते हैं बेसिकली टैंक्स ठीक है. तो देखो टैंक्स जो हैं वो नॉर्मली दो टाइप्स के पाइप से कनेक्टेड होते हैं. एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट ठीक है. नाम से ही हमें पता चल रहा है इनलेट जो कि हेल्प करता है टू फिल द टैंक ठीक है. आउटलेट जो हेल्प करता है टू एम्प्टी द टैंक ठीक है. इनलेट होता है टैंक को फिल करने के लिए, आउटलेट होता है टैंक को खाली करने के लिए ठीक है. तो अब देखो एक कॉमन सी बहुत ही जनरल सी रूल देखते हैं इसका कि सपोज एक इनलेट है ठीक है. इनलेट की पहले बात करेंगे कि इनलेट है वो सपोज टैंक को भरने में लगा रहा है एक्स आर्स ठीक है. एक्स आर्स टू फिल द टैंक तो हम बोल सकते हैं इन 1 आवर एक घंटे में वो टैंक को कितना फिल करेगा 1/x ऑफ द टैंक ठीक है. इसी तरीके से आउटलेट की बात करते हैं अगर हम ठीक है कि सपोज एक आउटलेट है वो y आर्स ले रहा है टू एम्प्टी द टैंक ठीक है. टैंक को पूरा खाली करने में वो कितने आर्स ले रहा है y आर्स. तो मतलब कि इन 1 आवर एक घंटे में वो टैंक को कितना खाली कर देगा 1/y ऑफ द टैंक ठीक है. ये दो बेसिक से रूल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियोस में हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे ठीक है. टिल देन थैंक यू. ओके तो यहाँ पर अब हम सिस्टर्न एंड पाइप्स का कोई एप्लीकेशन देखते हैं ठीक है. इस क्वेश्चन में देखो अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 1 टैप इन 4 आवर्स एंड बाय अनदर इन 3 आवर्स ठीक है. एक टैप से वो 4 घंटे में भरेगा और दूसरे टैप से 3 घंटे में. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर ठीक है. दोनों टैप्स अगर एक साथ हम ओपन कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा. देखो हमने पिछली वीडियोज में कुछ रूल्स पढ़े थे ठीक है कि अगर एक टैप पूरा टैंक फिल करने में, ये बेसिकली इनलेट है ना, तो एक इनलेट अगर पूरा टैंक फिल करने में एक्स आर लेते हैं तो एक आर में वो टैंक का कितना पार्ट फिल करते हैं 1/x है ना. तो देखो यहाँ से टैंक filled in 1 hour by first tap is 1/4 है ना. टोटल 4 घंटे लग रहे हैं तो मतलब 1/4 पार्ट फिल हुआ 1 घंटे में. इसी तरीके से टैंक filled in 1 hour by second tap ठीक है. जो दूसरा टैप है उससे 1 घंटे में कितना फिल हुआ है 1/3 है ना, क्योंकि टोटल टाइम लग रहा है 3 घंटे ठीक है. तो मतलब 1 घंटे में
दोनों टैप अगर हम एक साथ चला दे तो एक घंटे में कितना फिल हो जाएगा? टैंक फिल्ड इन वन आवर बाय बोथ टैप्स टुगेदर. ठीक है, तो देखो पहले टैप का एक घंटे का काम, दूसरे टैप का एक घंटे का. ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/4 + 1/3 विच इज 3 + 4/12. तो ये हमारे पास आ गया 7/12. ठीक है, एक घंटे में टैंक कितना फिल हुआ? 7/12 पार्ट. ठीक है, मतलब एक घंटे में टैंक का 7/12 हिस्सा फिल हो रहा है. तो पूरा का पूरा टैंक कितने दिन में फिल होगा? 12/7 आवर्स में. ठीक है, ये है टाइम जो लगेगा पूरा टैंक फिल करने में. राइट, दैट्स द आंसर. बस यही था इस क्वेश्चन में. थैंक यू. ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 6 आवर्स एंड एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप इन 8 आवर्स. ठीक है, एक इनलेट टैप है जो कि 6 घंटे लगा रहे उसको फिल करने में, और आउटलेट पाइप है जो 8 घंटे लगाते उसको एम्प्टी करने में. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ द टैप एंड द पाइप आर ओपन्ड टुगेदर? अब अगर मैं इनलेट और आउटलेट दोनों को एक साथ ओपन कर दूं तो टैंक कितनी देर में भरेगा? तो देखो हमें पता है कि अगर एक इनलेट x आवर्स लगाता है टैंक को फिल करने में तो एक घंटे में वो टैंक का 1/x पार्ट फिल करता है. एंड इसी तरीके से अगर एक आउटलेट y आवर्स लगाता है टोटल जो टैंक है उसको एम्प्टी करने में, मतलब कि वो एक घंटे में 1/y पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी करता है. ठीक है, तो उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो देखो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर. ठीक है, वो टोटल टाइम लगा रहा है 6 आवर्स, तो मतलब कि एक घंटे में कितना टैंक फिल होगा? 1/6. ठीक है, इसी तरीके से पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर. ठीक है, जो आउटलेट पाइप है वो टैंक को पूरा खाली करता है 8 आवर्स में, मतलब कि 1 आवर में वो टैंक का कितना पार्ट खाली करेगा? 1/8. ठीक है, मतलब कि अब अगर हम देखें कि ये दोनों को अगर मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, इफ बोथ आर ओपन्ड टुगेदर, अगर मैंने इनलेट आउटलेट दोनों को एक साथ खोल दिया तो देखो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर. तो उस केस में एक घंटे में टैंक कितना फिल होगा? जितना पानी उसमें आ रहा है माइनस जितना जा रहा है ना, तो 1/6 - 1/8. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 - 6/48. सो दिस इज 2/48, या फिर हम बोल सकते हैं 1/24. ठीक है, 1/24 पार्ट फिल हो रहा है एक घंटे में. जब एक घंटे में 1/24 पार्ट फिल हो रहा है तो पूरा टैंक फिल होने में कितना टाइम लग जाएगा फिर? 24 आवर्स. ठीक है, देयरफोर टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली इज 24 आवर्स. ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में, ये हो गया हमारा आंसर. दैट्स ऑल. थैंक यू. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन टू कंपेयरिंग क्वांटिटी. तो हमने क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए 3 फॉर्मेट अभी तक पढ़ लिए. पहला था रेशियोज, सेकंड है परसेंटेजेस, एंड थर्ड है फ्रैक्शन. तो ये 3 हमें फॉर्मेट पता है क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए. रेशियोज किस तरह से होते हैं?
3:4, 1:7 या 8:12, ये अलग अलग रेशियोज के टाइप है। इस फॉर्मेट में हम रेशियोज लिख सकते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेजेस में हम बोलते हैं किसी के बोर्ड्स में कितने 92% आए, या पासिंग मार्क कितने होते हैं 33%, या हम बोलते हैं कि 20% ऑफ काम ही पूरा हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो ये सारे क्या होते हैं? परसेंटेजेस। एंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 3/4, 7/19, या ये क्या हो गए? ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो वो कैसे हो सकते हैं? न्यूमरेटर बड़ा, तो लिख सकता हूँ मैं 20/7। तो इन प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐसे मिक्स फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2/6/7 इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड। तो इम्प्रॉपर हो गए प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। तो ये हो गए फ्रैक्शंस। तो ये तीन तरीके से हम क्वान्टिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, रेशियोज, परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है परसेंटेजेस। परसेंटेजेस की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेजेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू परसेंटेजेस। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ परसेंट। तो हम परसेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो द वर्ड परसेंट इज एन एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लैटिन फ्रेज पर सेंटम, विच मीन्स पर हंड्रेड। अब इसमें से हम देख सकते हैं सेंटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? 100। इसका मतलब होता है 100। सेंटम का मतलब 100 होता है। पर सेंटम का मतलब क्या हो जाएगा? पर 100 मतलब पर 100, तो HUNDREDE, तो पर 100। तो ये पर सेंटम जो फेज है इसका मतलब होता है पर 100। तो पर सेंटम से ये वर्ड बना है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। तो अगर हम बोलते हैं 20%, 20% का क्या मतलब हो जाएगा? 20/100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20/100। तो 20/100 मतलब 20 out of 100। तो अगर 100 है हमारे पास, अगर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 बॉल है, ये ईच बॉल 10 रिप्रेजेंट करती है। तो ये 10 × 10 कितना हो जाएगा? 10 × 10 ये 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 100 शेयर्स है किसी चीज़ के। तो अब इसमें से अगर मैं 20% बोलता हूँ तो 20% कितना हो जाएगा? 20/100। तो अगर ये 100 है, इसमें से 20 out of 100, तो हर एक 10 रिप्रेजेंट कर रही है, तो इतना, तो ये हमारा हो जाएगा 20%। तो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो 20% हो जाएगा टोटल का। टोटल 10 बॉल्स थी एंड ग्रीन बॉल्स कितनी है? 2 बॉल्स। तो ये क्या है? 2/10, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 20 out of 100 को 20 out of 100, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड करता तो मेरे पास आ जाता 2/10। तो इसी तरह परसेंट को डिफाइन किया गया। तो अगर हम बोलते हैं x परसेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? x/100। a परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? a/100, एंड सो ऑन। अब अगली वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज एज फ्रैक्शन। तो कुछ भी परसेंट गिवन है, अगर हमें कुछ दिया हुआ है 2% या 133%, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसका फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होता है, ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? परसेंट एज अ फ्रैक्शन। तो एक परसेंट को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। परसेंट किस फॉर्मेट के होते हैं? एक्स परसेंट तरीके से। एंड फ्रैक्शन किस फॉर्मेट के होते हैं? p/q, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है। फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर बोल रहा हूँ मैं। तो इस फ्रैक्शन फॉर्मेट में हमें इसे कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। से मेरे को बोला हुआ है एक
पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा का 50% हमने निकाल लिया, ये कितना है 50%, 50% है, परसेंट का क्या मतलब होता है, पर 100, तो ये है 50/100, तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गई, तो इसको हम इसी के लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं 1/2 में, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, तो 50% को हम कैसे लिख सकते हैं 50/100 या 1/2 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर हमें एक्स परसेंट गिवन है, एक्स परसेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये सिंबल को हम लिख सकते हैं, ये है पर सेंट, तो इसको अगर ब्रेक करें हम तो पर सेंट क्या हो जाता है, पर 100, मतलब 100 से डिवाइड करना है, एक्स पर 100, तो अगर हमें बोला है पर 100 एक्स पार्ट्स हम अगर निकाल रहे तो हो जाएगा एक्स अपॉन 100, तो ये इसका फ्रैक्शनल कन्वर्जन है। तो अगर हमें कोई परसेंट गिवन है ए परसेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पर 100, ए परसेंट, सेंट क्या होता है 100, ए परसेंट हो गया ए पर 100। अब इसको हम इसके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर से मेरे को 40% कैलकुलेट करना है, 40% इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट टू फ्रैक्शन इसको क्या करूँगा, 40 ऐसे ही लिख दूंगा, एंड ये सिंबल का मतलब क्या होता है, पर सेंट, तो सेंट मतलब 100 पर 100, 40 पर 100, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 20 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 2/5, ये इसका लोएस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, मतलब अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते तो, पर रिप्रेजेंट करना है तो अगर हमें 17% है, अगर 17% को हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे 17/100, तो ये तरीका है फ्रैक्शनल परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो अगर ए परसेंट है तो हमारा उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है ए पर 100, ए परसेंट, तो ये हो गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, परसेंटेजेस को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेजेस किस फॉर्मेट के होते हैं, एक्स परसेंट को हमें कन्वर्ट करना है समथिंग ए इज टू बी के फॉर्मेट में, तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्स परसेंट को ए इज टू बी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंट एज रेशियो, तो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हमें परसेंट पता है किस फॉर्मेट के होते हैं, परसेंट हो सकते हैं 20% या 15% या 135%, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेशियो, रेशियो किस फॉर्मेट के होते हैं। अभी मैं इसके इक्विवेलेंट नहीं लिख रहा, मैं ऐसे कोई भी रैंडम रेशियो लिख रहा हूँ, 3:1 या 1:9 या 1.5:7.8, ऐसे कुछ भी फॉर्मेट के ये रेशियोज हो सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15:78। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर 3 से डिवाइड कर दूँगा, 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 26, तो 5:26 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज लेंगे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ये इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं, हमने लास्ट वीडियो में ही सीखा है, आपको अगर डाउट है तो आप वापस चेक कर सकते हैं, अगर आपको ये कन्वर्ट करने में कैसे कन्वर्ट करना है अगर सीखना है तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। इससे हम इस स्टेप पे आएंगे, तो अब कोई एक परसेंट लेते हैं, जैसे 125% लेते हैं, तो 125%, तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो पहले हम अपने स्टेप्स पे आइए, परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँगा, 125% है, परसेंट मतलब पर 100, तो पर 100, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब इसको HCF से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं,
तो इसको मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 बाय 4 हो जाएगा. 125 एंड 100 का जो HCF होता है, इन दोनों का HCF होता है 25, इनका HCF होता है. तो इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया. अब रेशियो में इसे लिखना है, तो इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ. 5:4 ये हमारा क्या हो गया, रेशियो. तो हमारा 125% जो होता है उसका रेशियो हो जाता है 5:4. अगर हमें इसे डायरेक्टली लिखना है तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं. हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 125:100. ये भी सेम ही है, इसको 5:4 भी लिख सकते हैं. ये सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर हम फाइनली डिस्कस करते हैं, अगर हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो से अगर 8% है, 8% लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8:100. या अगर 137% लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 137 एंड परसेंट को 100 से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो अगर इन जनरल बोलूँ, मेरा x परसेंट गिवन है, तो x परसेंट को मैं लिख सकता हूँ 100. तो ये हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन हो गया, परसेंटेज टू रेशियो का कन्वर्जन हो गया, सॉरी. तो x परसेंट गिवन है, तो इसको रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 100. अब अगर हमें रेशियो से परसेंटेज पे आना है, रेशियो से परसेंटेज पे जाना है, तो क्या करेंगे? अगर हमें a:b गिवन है, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हो जाएगा a बाय b, ये हो जाएगा. देन अब इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, a को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. परसेंट होता क्या है, परसेंट होता है डिवाइड बाय 100. अगर मैं लिखाऊँ x परसेंट, तो x परसेंट होता है, x को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये उसका फ्रैक्शन फॉर्मेट होता है. तो अगर मेरे को फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं x को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये a बाय बी. अगर ये मेरा 3/4 फ्रैक्शन है, तो 3/4 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा 75 एंड परसेंट का सिंबल लगा दूंगा. तो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे, a बाय बी गिवन है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड ये होल चीज़ इज़ अ परसेंटेज. तो a:b जो है, a:b इसको मैं लिख सकता हूँ a बाय बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ a × 100/b/b%, इतने परसेंट. तो अगर ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल 5:15. अगर 5:15 हमारा रेशियो है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं लिखूँगा 5/15. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/15 को 1/3. अब मैं इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूँगा, 1/3 × 100, इतना परसेंट. तो ये क्या हो जाएगा, 100/3% मतलब ये कितना हो जाएगा, 33.3% तो ये हो जाएगा 5:15. 5:15 जो हमारा रेशियो था, इसका परसेंटेज में कन्वर्जन. तो हमने दोनों पढ़ लिया, परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है एंड रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है. तो हमें x परसेंट गिवन है, अगर x परसेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100, ये इसका रेशियो फॉर्मेट हो गया. एंड अगर हमें a:b रेशियो गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/b × 100, इतना परसेंटेज. तो ये हमारी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, परसेंटेज को डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, हम सीखेंगे परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में. इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म. तो हम परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे. तो सबसे पहले कोई परसेंट अज्यूम करते हैं, से 35%. अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हमें इसका फ्रैक्शनल फॉर्म पता है 35. अगर परसेंट है तो बाय 100 कर देते हैं, परसेंट 100 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया. अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 है, 3 को 10 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आ जाता है, 0.3. अगर 3 को मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आ जाता है 0.03. तो दो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 35.0 लिख सकता हूँ 35 को. अब दो डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करने हैं आपको लेफ्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, 0.05
3, 5 तो ये आ जाएगा हमारा डेसिमल फॉर्म. अब कुछ और परसेंटेज लेके लेते हैं, जैसे 72% है, इसको कन्वर्ट करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 72.0%, ये लिख सकता हूँ. इसको अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. 72.0% ऐसे लिख सकता हूँ. अब डेसिमल प्लेस को दो लेफ्ट में शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा, 0.72, और ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म. सपोज करते हैं 0.3% गिवन है, 0.3% को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.3 ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो और डेसिमल फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, तो 0.3% ही है यहाँ पे. अब दो डेसिमल प्लेस शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.003, ये आ गया डेसिमल फॉर्म. तो अगर कोई भी एक्स इज द परसेंट, एक्स परसेंट गिवन है, तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले एक्स को डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे, या तो 35.0 या 0.3 था 0.3 के फॉर्म में ही लिख देंगे. इस फॉर्म में लिखने के बाद उसको 100 से डिवाइड करना है, मतलब हमें दो डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करनी है. तो या तो ये हो सकता है 0.00x, या ये अभी मतलब इसको एक्स के लिए लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं तीन अलग अलग टाइप के आए. अभी यहाँ पे 0.3 था तो यहाँ 0.3 के करस्पॉन्डिंग 0.003 आ रहा है, या फिर अगर ऑलरेडी डेसिमल नहीं था तो वो डेसिमल आ रहा है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्म नहीं लिखेंगे. पर अगर हमें डेसिमल परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है ये देखते हैं हम. जैसे 35% था तो हमने उसे 100 से डिवाइड कर दिया, दो डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शिफ्ट डेसिमल, डेसिमल, एक्सक्यूज मी ये यहाँ पे ये नहीं है, शिफ्ट डेसिमल टू, एक्सक्यूज मी टू प्लेसेस टू द लेफ्ट. तो ये हमारा रूल हो गया. ये हमारा रूल है, अगर हमें परसेंटेज को डेसिमल में शिफ्ट कर कन्वर्ट करना है तो हम डेसिमल प्लेसेस को दो लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे. ज़रूरी नहीं है आपको जो इनिशियली गिवन है वो एक नंबर हो, जैसे 72 या ऐसे नहीं होना ज़रूरी है, 75% ऐसा नहीं है. हमें ये भी मिल सकता है कि 0.003% है, इसको कन्वर्ट करना है तो आपको लगेगा ये तो ऑलरेडी डेसिमल में, पर डेसिमल में नहीं है. जब तक ये सिंबल नहीं हटा देते हम तब तक ये डेसिमल कन्वर्ट नहीं होगा. तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है. तो 0.003 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करो, 0.00003, ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो हमारा रूल क्या है, शिफ्ट द डेसिमल प्लेसेस टू टू प्लेसेस ऑन द लेफ्ट. और डेसिमल को अब अगर कन्वर्ट करना है, जैसे अब हमें डेसिमल दिया हुआ है 0.3278, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3278 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 100. अब आप ये देख सकते हैं ये जो डिवाइड बाय 100 वाला पार्ट है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज के सिंबल में, तो ये हो जाएगा 32.78%. तो ये डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना हुआ, एंड ये रूल है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई भी गिवन नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. जैसे अगर हमें बोला है हमारे पास, हमारा गिवन नंबर है 8 एंड इसका हमें 79% ऑफ 8 ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर. तो हमारे पास कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है कि एक टीम